चलो अभी आ रही है या नहीं आ रही मेरी आवाज सभी लोगों को अब मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है अब आ रही होगी शायद ओके अब तो आ रही है नो no वॉइस ओके गुड आफ्टरनून एवरी वन लेट नहीं हुआ था मैं तब से यहीं पर था स्ट्रीमिंग चालू होने में थोड़ा सा टाइम लग गया था कभी कभी थोड़ा बहुत चलता रहता है ठीक है तो कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सभी लोगों के क्या हाल चाल सर ये चैप्टर सीबीएसई के सिलेबस में है क्या हाँ मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा ये चैप्टर सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है चैप्टर नीट के सिलेबस में नहीं है यह चैप्टर जेई मेंस के सिलेबस में है यह चैप्टर कुछ स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस में है ठीक है तो जो बाकी स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं या अगर आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ठीक है क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आता है तो इसीलिए

जितनी चीजें मैं बता रहा हूं सिर्फ उतनी उतनी बातें हम करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम एक्चुअल में बहुत वास्ट टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है या लेकिन हमको जो पढ़ना है वो केवल और केवल फाउंडेशन वाला पार्ट पढ़ना है हमें अभी सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ठीक है सर रिवीजन क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन हाँ ये रिवीजन क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेशन होंगे एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका रिवीजन क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेशन भी होंगे कम्युनिकेशन सिस्टम आपके दो लेक्चर्स लेगा एक लेक्चर आज लगेगा और एक लेक्चर और लगेगा इसके बाद ठीक है सर कितने टाइम चलेगा बता दो दिया कितने टाइम चलेगा दो लेक्चर इसमें लगेंगे ठीक है उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही आपके सिलेबस सारा खत्म होता है फिर हम लोग रिविजन स्टार्ट करेंगे ठीक है हर एक चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनको लिखना किस तरीके से है हम इंडिविजुअली एक एक चैप्टर उठाएंगे और उन सबको अप्रोच करेंगे और कोई सवाल सर लक्ष्य नीट वाले देख सकते हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं केवल और केवल कुछ स्टेट बोर्ड्स में ये चैप्टर है और जेईई मेंस में ये चैप्टर है ठीक है बाकी आपके सीबीएसई के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है और आपके नीट में भी ये सिलेबस में चैप्टर नहीं है ठीक है तो मुझे लगता है कि अब मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं सर क्या मैं ड्रोन्स बना सकता हूं बनाओ ना कौन रोक रहा है तुमको शौक से बनाओ ठीक है करेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो ऐसी हैं कि जो कि आपको सपोर्ट करेंगी बहुत हद तक सपोर्ट करेंगी तो इफ यू आर केपेबल इनफ तो बिल्कुल शौक से बनाओ चलो ठीक है तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग सिस्टम के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे सिस्टम में क्या क्या होता है इसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे और इसके बाद बैंडविड्थ समझेंगे सिग्नल्स की और मीडियम की ठीक है अगेन आज का लेक्चर बहुत हद तक मतलब बोलूंगा नाइनटी नाइन परसेंट थ्योरेटिकल हीचर है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम भैया क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स और यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस या वन पर्सन टू अदर ठीक है तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाह रहे हो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए तैयार है दैट इज योर कॉम्युनिकेशन सिस्टम ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंशियंट टाइम्स में कुछ और था ठीक है आज के लेटेस्ट टाइम पे काफी हद तक इसको हमने मॉडिफाई कर रखा है ठीक है चलो जैसे अगर मैं बताऊं कि एंशियन टाइम पर कम्युनिकेशन सिस्टम का कितना ज्यादा किस तरीके से चीजें आप कम्युनिकेट करते थे इजीली तो पुराने टाइम पे अगर आपने देखा हो तो कई बार ढोल नगाड़ों से सिग्नल्स पास किए जाते थे ठीक है पर्टिकुलर बीट्स बजाई जाती थी सो so दैट एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक सिग्नल्स पहुंचाए जा सकें जब वॉर्स होते थे तो वहां पर ट्रम्पेट साउंड किए जाते थे और हर एक ट्रम्पेट की साउंड का या हर एक पर्टिकुलर पैटर्न का एक मतलब होता था दैट वॉज ऑल्सो अ कॉम्युनिकेशन सिस्टम कई जगह जैसे हिली रीजन में या कई बड़े जो राज्य होते थे उसमें अगर कोई नेबर आपको अटैक करता है तो आपके जो फ्रंटियर से कैपिटल तक यानी कि जहां पर आपका राजा बैठता है वहां तक सिग्नल्स पहुंचाने के लिए कई बार मशालें जलाई जाती थी कि हिली रीजन पे सो so दैट एक जगह से मशाल देखे तो दूसरी जगह देखे दूसरे से तीसरी जगह इस तरीके से मशाल लाइटअप की जाती थी और वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती थी आज के टाइम पे हमने कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत हद तक इंप्रोवाइज कर चुके हैं हम बहुत हद तक आ, काफी आगे बढ़ चुके हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में ठीक है ऑल थैंक्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल थैंक्स टू अवर सेमी एंड डिवाइसेस जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल काफी फास्ट पेस पर और काफी दूर तक हम ट्रांसफर कर पाते हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉसेस ठीक है किसी भी कॉम्युनिकेशन सिस्टम में देयर आर थ्री मेजर एलिमेंट्स आपके तीन बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं पहला एलिमेंट है आपका ट्रांसमिटर ट्रांसमिटर क्या करता है सोर्स से इंफॉर्मेशन लेता है सोर्स से सिग्नल लेता है उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है या ये बोल दूं कि उसको एक ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करता है विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम आपका सोर्स या फ्रॉम ट्रांसफर ट्रांसमीटर टू आपका रिसीवर ठीक है तो बेसिकली ट्रांसमीटर यहां पर जरा देखिएगा आपके जो तीन मेजर सिग्नल है पहला आपका जो एलिमेंट है दैट इज ट्रांसमीटर दूसरा एलिमेंट है आपका चैनल एंड तीसरा एलिमेंट है आपका रिसीवर ट्रांसमीटर क्या करता है ट्रांसमीटर सोर्स से इंफॉर्मेशन लेता है और इस इंफॉर्मेशन को जनरली यूजुअली इलेक्ट्रिकल करंट वगैरह में कन्वर्ट करता है ठीक है और इसको भाई चैनल में जो भाई ये जो चैनल है चैनल बेसिकली क्या है चैनल इज योर मीडियम एक जगह से आपके ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए जो भी आप मीडियम यूज कर रहे हो यू में यूज वायर्स यू में यूज एयर या वैक्यूम बोल दूं तो जो भी आप मीडियम यूज कर रहे हो इसके सूटेबल बनाता है कि भाई ऐसा ट्रांसमीटर क्या कर रहा है बेसिकली इस चैनल में ये चैनल सारे सिग्नल्स कैरी नहीं कर सकता ये चैनल जो है कुछ पर्टिकुलर सिग्नल्स कैरी कर पाता है तो ट्रांसमीटर इस इस सोर्स को लेता है और चैनल के लायक बनाता है ठीक है चैनल आपकी इंफॉर्मेशन यहां से यहां ले जाता है रिसीवर वो इंफॉर्मेशन रिसीव करके उसको डी करता है और वापस आपको डेस्टिनेशन पर या आपका जो रिसीवर पर पहुंचा देता है इस पूरी प्रोसेस में कई जगह ऐसा होता है कि आपके कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं जैसे आपके नॉइसेज आती noises क्या है नॉइस आर अनवांटेड डिस्टॉर्शन इन योर मैसेज ठीक है आपके मैसेज में आप नहीं चाह रहे थे जैसे आपने यहां पर मैसेज सप्लाई किया कि यार आपने बोला कि मैं इस तरीके का मैसेज सप्लाई करना चाह रहा हूं ठीक है लेकिन इसके अंदर कुछ नॉइज आ गया तो आपका जो सिग्नल था एक तो ये आपका सिग्नल ऐसा था दूसरा इसके अंदर आपकी कुछ नॉइस और एड हो गई लेटे से आपने कुछ इस तरीके की नॉइस आपने भेज दी ठीक है तो अब जो आपका आउटपुट यहां पर सिग्नल पहुंचा वो इसके नॉइस के साथ पहुंचा ठीक है इस तरीके से अब वो नॉइस रिसीवर रिमूव करेगा उसके बाद आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल करके देगा ठीक है उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी सब लोगों को समझ में आ रही है एनसीआर में कहा एनसीआर में लेक्शन नंबर चैप्टर नंबर फिफ्टीन है करेंट एनसीआर से हटाया जा चुका है अगर आप पुरानी एनसीआरटी देखोगे तो उसमें रहेगा इवन आपके इवनसीआरसी के टेक्स्ट में भी यह मैं कई जगह चैप्टर फिफ्टीन मेंशन है चलो यार तो अब मुझे लगता है कि यहां तक की कहानी समझ में आ गई इंफॉर्मेशन सोर्स से इंफॉर्मेशन ली ठीक है अब बात आती है ये यहां पे और भी टर्म्स दिख रहे हैं आपको ठीक है एक तो है इनपुट ट्रांसड्यूसर ये क्या करता है दूसरा है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या है आउटपुट ट्रांसड्यूसर ये क्या करता है ठीक है इनके बारे में अब हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले एक एक आप पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है मैं यार लिखवाऊंगा नहीं मैं सीधा सीधा बस बताता जाऊंगा हर चीज को एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो मुझे लगता है आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा हम्म ठीक है चलो यार तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में आपके पास तीन ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर आपका जैसा कि मैंने बोला था कि केबल ऑफ वायर्स हो सकती हैं आपके रिसीवर के बीच में या आपके, आपके वायरलेस सिग्नल भी हो सकते हैं मतलब आप वैक्यूम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू भी आप सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हो ठीक है पर्पस ट्रांसमीटर का क्या है अब ध्यान दीजिएगा ट्रांसमीटर का पर्पस है टू कन्वर्ट द मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय द द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन थ्रू चैनल ट्रांसमीटर बेसिकली क्या करता है आपने जो भी बोला जैसे मान के चलो मैं अभी यहां पर वॉइस ऑडियो बोल रहा हूं ठीक है तो मेरा जो सिग्नल है मेरा सिग्नल क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है मैं जो बोल रहा हूं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो नहीं है अगर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है अगर मैं यहां से कुछ भी बोल रहा हूं तो ये क्या है ये बेसिकली प्रेशर वेव है ना ये क्या है ये 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 तो तो आपका प्रेशर 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 वेव 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 है तो ये क्या है है क्या आगे पीछ, आगे पीछे पीछे हो रही ठीक है चीके? अब यहां पर कोई भी जैसे माइक्रोफोन है माइक्रोफोन के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा है ठीक है ये ट्रांसमीटर क्या कर रहा है माइक्रोफोन के अंदर ये ट्रांसमीटर बेसिकली सिग्नल को ले रहा है ठीक है और इस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है मतलब आपके जो यहां पर प्रेशर है प्रेशर का वेव कैसा है कुछ इस तरीके से और ये प्रेशर को ये प्रेशर को करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है मतलब वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ठीक है तो इसने क्या किया प्रेशर को करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया ठीक है और अब ये ट्रांसमीटर क्या करेगा आउटपुट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल लाइक वॉइस सिग्नल देखो भाई क्या बोला है इफ दी आउटपुट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स अगर जैसे मान चलो वॉइस सिग्नल है ठीक है अब एक ट्रांसड्यूसर हम इंट्रोड्यूस करें ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है इसको ट्रांसड्यूसर इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ ट्रांसमीटर ठीक है ट्रांसड्यूसर आपके ऑडियो सिग्नल जैसे कि प्रेशर हो गया लाइट हो गया कोई भी सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है ये सिग्नल के फॉर्म्स को कन्वर्ट कर रहा है और बाकी कुछ सिग्नल में कोई भी अंतर नहीं कर रहा तो ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंफॉर्म ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स इट अ ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स इट इलेक्ट्रिकल फॉर्म बिफोर गिविंग एज इन इनपुट टू द ट्रांसमीटर, ठीक है तो बेसिकली ये क्या कर रहा है ट्रांसमीटर आपका प्रेशर हो, हो सकता है आपका लाइट हो सकता है इंटेंसिटी हो सकती है उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है तो जरा देखिएगा यहां पर जो हमारा ट्रांसड्यूसर है ये क्या कर रहा है ये आपके जो मैसेज है मैसेज क्या होता है आपका कोई भी सिग्नल है सिग्नल साउंड हो सकता है लाइट हो सकता है पिक्चर वर्ड्स कुछ भी हो सकता है इस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली बात है इसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट एनर्जी की जरूरत होगी ठीक है कई बार होता है कि आपका जो सिग्नल है ये ट्रांसमिशन के लायक बनाने के लिए आपको इससे इसको किसी वेव में एम्बेड करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है तो बेसिकली मोटा मोटा मॉड्यूलेशन ये है कि चैनल को इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रिक्वेंसीज में वो इंफॉर्मेशन ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती है ठीक है तो उसके लिए हम इसको काफी हाई फ्रीक्वेंसी में ओवर पिच ओवरलैप करते हैं मतलब इंटरफेरेंस कराते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेट करना ठीक है तो फिलहाल बस ये समझते हैं कि ट्रांसड्यूसर जो भी आपका सोर्स है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये आपका ट्रांसमीटर ट्रांसफर कर रहा है टू दिस चैनल ठीक है चैनल में कुछ अनवांटेड नॉइज भी आ रही है ठीक है चैनल में अब जरा देखना वेन अ ट्रांसमिटेड सिग्नल प्रोपेगेट अलॉन्ग द चैनल इट मे गेट डिस्टोर्टेड ड्यू टू चैनल इम्परफेक्शन ठीक है डिस्टॉर्शन यहां पर हो रहा है क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है अगर आप एनर्जी को कैरी कर रहे हो तो कुछ ऐसा तो नहीं हर एक ट्रांस मीडियम जो है परफेक्ट होता है कुछ मीडियम के इम्परफेक्शन भी होंगे जिस वजह से आपका जो सिग्नल है वो क्या होगा वो कुछ डिस्टोर्ट भी होगा ठीक है मोर ओवर नॉइस एड्स टू द ट्रांसमिटेड सिग्नल एंड द रिसीवर रिसीव्स अ करप्टेड वर्जन ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल मतलब हमने जो बोला अगर जैसे मान के चलो मैंने आपको बोला ठीक है और आपको जो ऑडियो आ रही है वो बड़े ही ऑप्सफिकुएटेड वर्जन आ रहा है मतलब क्या मैं बोल रहा हूं आपको कटकट -कट की आवाज आ रही है जैसे कई बार होता है आप जब किसी से बात करते हो यार आपकी आवाज बीच बीच में कट गई ठीक है या आप जो इमेज देख रहे हो इमेज आपकी ब्लर हो गई

क्योंकि भैया एनर्जी लॉस हुई होगी आपने भैया यहां पर ट्रांसमीटर में जो एनर्जी भेजी आपने जो वेव भेजी या इनपुट भेजा ट्रांसमीटर ने कन्वर्ट करके भेजा था कुछ इस तरीके से ठीक है लेकिन जब रिसीवर तक पहुंचा इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो कुछ इस तरीके का हो गया ठीक है और ये रिसीवर जो है अब इसको पार्स ही नहीं कर पा रहा तो इसको क्या करेगा इसको पहले एम्पलीफाई करेगा इस सिग्नल में एडिशनल एनर्जी देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और फिर उसको वापस से ट्रांसड्यूसर में डालेगा क्योंकि भाई आपको ऑडियो तो ऑडियो के फॉर्म में ही चाहिए ना जैसे मान के चलो मैंने टेलीफोन में कुछ बोला ठीक है तो जो वायर है वहां पर टेलीफोन ने क्या किया मेरा ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू डिफरेंट नेटवर्क ऑफ वायर्स आपके एक रिसीवर पर पहुंचा रिसीवर पर जब पहुंचा रिसीवर पर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचा उसको दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या स्पीकर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है जैसे मैं यहां से बोल रहा हूँ यहां पर मेरा सिग्नल जो है वो यहां पर गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वाईफाई के थ्रू आप तक पहुंचे वाईफाई और वायर्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू आप तक पहुंचा जो सिग्नल आप तक पहुंचा वो क्या है वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो यहाँ पर फिर से आउटपुट ट्रांसड्यूसर दिया गया है जो कि इसको दोबारा से आपको स्पीकर के फॉर्म में आपको क्या है वॉइस सिग्नल में दोबारा कन्वर्ट करेगा ठीक है चलो इट रिकंस्ट्रक्ट तो रिसीवर क्या करता है इट रिकंस्ट्रक्ट्स अ रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ ओरिजिनल मैसेज सिग्नल्स फॉर डिलीवरिंग इट टू द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन तो ये दोबारा जो आपके डिस्टॉर्टेड वर्जन था जो नॉइस था उसमें से पहले नॉइस हटाएगा उसको एम्पलीफाई करेगा और उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपके ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा या वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और आप तक डिलीवर करेगा ठीक है चलो यार अब देर आर बेसिकली टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आइदर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगा या फिर सीधा ब्रॉडकास्ट होगा पॉइंट टू पॉइंट में एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है ठीक है तो पॉइंट टू पॉइंट में आपका ट्रांसमीटर ये है जैसे कि आप टेलीफोन से बात करते हो ट्रांसमीटर से चैनल के थ्रू होते हुए आपका सीधा सीधा रिसीवर पर जाएगा ठीक है लेकिन अगर यही आपका ब्रॉडकास्ट है तो ब्रॉडकास्ट में एक ट्रांसमीटर इज ब्रॉडकास्टिंग टू डिफरेंट रिसीवर्स ठीक है तो ये क्या है मल्टी पॉइंट है भाई एक जगह से कई सारी जगह आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो और यहां पर क्या है पॉइंट टू पॉइंट में आप एंड टू एंड आपको सीधा सीधा ट्रांसफर कर रहे हो ठीक है रेडियो टेलीविजन इसके एग्जांपल है ब्रॉडकास्ट के और आपका टेलीफोन जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो दैट इज आपका क्या है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन आपका व्हाट्सएप ग्रुप बेसिकली ब्रॉडकास्ट हो गया और आपका जो व्हाट्सएप मैसेज हो गया इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल दैट इज योर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन टीवी पॉइंट टू पॉइंट है या ब्रॉडकास्ट टीवी इज ब्रॉडकास्ट टेलीविजन आपका ब्रॉडकास्ट है व्हाट्सएप ग्रुप आपका ब्रॉडकास्ट है इवन कई जगह नाम भी लिखा होता है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट या किसी जगह ब्रॉडकास्ट करके सिग्नल भी लिखे होते हैं कई जगह ठीक है कई सारे एप्स वगैरह में ब्रॉडकास्ट मीन्स यू आर सेंडिंग द मैसेज और सेंडिंग द सिग्नल टू मैनी रिसीवर्स ठीक है पॉइंट टू पॉइंट में यू आर ओनली सेंडिंग इट टू द रिसीवर स्पेसिफिक रिसीवर इंटेंशनली ठीक है चलो सर रिसीवर तक ब्रॉडकास्ट में पहुंचता कैसे है आगे पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे किस तरीके से कन्वर्ट करता है अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वर्किंग मैकेनिज्म बता रहा हूं आ, किस तरीके से पहुंचता है इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते एलिमेंट्स हम आज देखेंगे किस तरीके से पहुंचता है उसको कितने लोग पास करते हैं उस तरीके उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे ठीक है अगेन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल चीजों पर बात करेंगे इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे hmm. चलो अब कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले हमने बात करी ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर क्या करता है कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी देखो भैया इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर ठीक है एंड कन बी कैन बी टर्म डेज ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं डिवाइसेस ऐसे आते हैं जो कि इनपुट आपका आ, इनपुट चाहिए टेम्परेचर हो, हो, हो गया इन टू करस्पॉन्डिंग वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज आउटपुट मुझे लगता है मैंने पहले ही बोला हुआ है ठीक है तो प्रेशर डिस्प्लेसमेंट वे फोर्स जो भी है इन सब को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आउटपुट की तरह ले, ले ले या अगर ये बार दूसरी बार आपके रिसीवर के एंड पर ट्रांसड्यूसर है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उल्टे में कन्वर्ट करता है मतलब आपके ऑडियो में प्रेशर में कन्वर्ट कर सकता है टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकता है एंड सो ऑन ठीक है सिग्नल uh, क्या होता है सिग्नल वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप कैरी कर रहे हो बेसिकली ठीक है सिग्नल आपके दो टाइप के हो सकते हैं या तो आपका एनालॉग सिग्नल हो सकता है ठीक है या आपका डिजिटल सिग्नल हो सकता है जो आपका सिग्नल आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो इट में भी एनालॉगस सिग्नल और इट मे बी एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल का मतलब है कि आप सारी की सारी वैल्यूज ले रहे हो वेरिएबल जैसे मान के चलो आप वोल्टेज ले रहे हो तो वोल्टेज आप सारे सिग्नल ट्रांसफर कर रहे हो कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो अगर आप एक कप से एक वायर कनेक्ट करके दूसरे कप में रखते हो और आप अगर यहाँ पे इस कप से बोल रहे हो तो बेसिकली जो वायर है वो वायर आपका इलेक्ट्रिकल पगल से बोल दूं कि जो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के फॉर्म में वो ट्रांसफर कर रहा है दैट इज एनालॉगस सिग्नल सिंपल फॉर्म में आपका ट्रांसफर कर रहा है डिजिटल सिग्नल में क्या करते हैं हम डिजिटल सिग्नल में वी ओनली ट्रांसफर सेलेक्टेड वैल्यूज या तो जीरोज और 1 के फॉर्म में हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज हम इस तरीके से डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफर करते हैं हम इसके बीच वाली कोई वैल्यू ट्रांसफर नहीं करते हैं ठीक है तो जो हायर वोल्टेज है उसको प्लस वन बोल देंगे जो लोअर है उसको जीरो बोल देंगे हो सकता है पांच वोल्ट हो सकता है दस वोल्ट डिपेंडिंग ठीक है मतलब अगर पांच वोल्ट मिलेगा तो पांच और जीरो पांच और जीरो मिलेगा इसके बीच में ढाई नहीं मिलेगा दो नहीं मिलेगा ठीक है चलो तो सिग्नल्स क्या होते हैं सिग्नल्स बेसिकली इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड अ सिग्नल ठीक है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं और ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल है इलेक्ट्रिकल डिजिटल और एनालॉग कुछ भी हो सकते हैं एनालॉग कंटिन्यूअस वेरिएशन है और डिजिटल जो है वो क्या है दे आर एसेंशियली सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम एक टाइम पर सिर्फ एक ही वोल्टेज मिलेगा ऑब्वियसली बात है अगर दो मिलेंगे तो फिर आप उसको पास नहीं कर पाओगे आप उसको uh, नहीं डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि वैल्यू क्या लेनी है ठीक है और एनालॉग सिग्नल्स आपके जैसे हो गए आ, आ, आपके साउंड हो गया पिक्चर सिग्नल्स हो गए सारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ठीक है जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं वो सारे डिजिटल दि, सिग्नल्स में काम करते हैं ठीक है और डिजिटल सिग्नल्स आपके कौन से हो गए जैसे बाइनरी सिस्टम हो गया ठीक है डिस्क्रीट uh, वैल्यूज लेते हैं डिजिटल सिग्नल्स आर दोस कैन टेक डिस्क्रीट स्टेप वाइज वैल्यूज बाइनरी सिस्टम दैट इज एक्सटेंसिवली सिग्लोज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एम्प्लॉयज जस्ट टू लेवल्स ऑफ सिग्नल्स ठीक है अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है बाइनरी सिस्टम बेसिकली आपके वन और जीरो का कॉम्बिनेशन है उसके बेसिस पर हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन को अलग अलग वैल्यूज असाइन कर रखी हैं जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बाइनरी में अच्छा हमने ये पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स में कि स्विचेस होते हैं ठीक है स्विचेस क्या करते हैं बेसिकली स्विचेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वन्स ठीक है अब मान के चलो मैं कंप्यूटर में जीरो एंटर करना चाहता हूं परफेक्ट जीरो ठीक है तो अगर मैं बाइनरी सिस्टम की बात करूं तो बाइनरी सिस्टम में बेसिकली आपके चार स्विचेस हैं पहला एक स्विच दूसरा एक स्विच तीसरा स्विच और चौथा स्विच इन चार स्विचेस के ऑन और ऑफ के कॉम्बिनेशन पर मैं सारे के सारे डिजिट्स डिफाइन कर सकता हूं ठीक है जैसे अगर मुझे डिजिट्स डिफाइन करने हैं जिसमें सिर्फ चार ही चाहिए जैसे जीरो डिफाइन करना है तो जीरो के लिए मुझे क्या चाहिए जीरो डिफाइन करने के लिए सारे के सारे स्विच अगर ऑफ हो सारे स्विच ऑफ या तो ऑफ होंगे या ऑन होंगे इनमें या तो 1 होगा या 0 लेगा 1 लेगा या 0 लेगा 1 लेगा या 0 लेगा ठीक है तो अगर मैंने कहा अगर सारे चारों की चारों से तो क्या है? This is, number उसको detect क्या करेगा जीरो से लगा रखी है, हमने एक pattern define कर रखा दिया, consortium which decides this code. कि अगर चार जीरो है, तो उसका मतलब है कि computers को interpret कैसे करेगा? Zero की तरह इंटरप्रेट करेगा अगर मान के चलो मुझे वन को इंटरप्रेट करना है तो वन को एक दो तीन जीरो इंटरप्रेट करना है, दो नंबर तो जीरो, जीरो जीरो वन जीरो ठीक है? तीन को करना है जीरो जीरो तरीके से अलग अलग हम जब नंबर्स डालते जा रहे हैं हर नंबर का एक पर्टिकुलर कोड है एक पर्टिकुलर आपके स्विच का पैटर्न है ठीक है इस स्विच का पैटर्न देखा तो उसने कहा कि तीन नंबर है इसको देखा तो उसने कहा दो नंबर है तो बेसिकली आप यहां पर क्या कर रहे हो यहां पर आप एक नंबर को एक देखो भाई एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हो ऑन ऑफ ऑन ऑफ वाली स्टेज में कन्वर्ट कर रहे हो ये ये क्या है

ठीक है ये सिग्नल आगे जाएगा रिसीवर पे जाएगा रिसीवर उसको पास करेगा और फिर आपको दोबारा से एनोलॉगर सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा ठीक है चलो यार अगला एलिमेंट क्या है नॉइस तो भाई नॉइस का मतलब क्या है नॉइस बेसिकली अनवांटेड आपके जो डिस्ट्रैक्शन है अनवांटेड अनवॉन्टेड है इन दी सिग्नल ठीक है नॉइस रिफर्स टू द अनवांटेड सिग्नल्स दैट टेंड टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज अनवॉन्टेड सिग्नल दट टेन टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज सिग्नल इन अ कोम्युनिकेशन सिस्टम ठीक है सोर्स जनरेटिंग नॉइस में भी लोकेटेड इन साइड और आउटसाइड कुछ भी हो सकता है आपको थोड़ी पता है अंदर भी इनपर्फेक्शन हो सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के या हो सकता कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी आपके जो डिवाइस है उसमें नॉइस आ रहा हो ठीक है एक सिंपल एग्जाम्पल मैं नॉइस का दूं जैसे मान के चलो अगर कोई ऑक्स केबल है ऑक्स केबल अगर आपने प्रॉपरली इंसर्ट नहीं करी है या आपके ऑक्स केबल खराब है ठीक है तो आपने देखा होगा कई बार घर घर वाली जो नॉइस आती है ठीक है दैट इज बहुत ही ज्यादा नॉइस क्योंकि वो, अब वो क्या है मेरा ऑडियो सिग्नल तो जा ही रहा है ऑडियो सिग्नल के साथ वहां पर जो है वो नॉइस और एडअप होती जा रही है ठीक है तो वो नॉइस भी जा रही है तो वो ट्रांसमीटर जब आप रिसीवर के एंड पर आप बात करोगे तो रिसीवर के एंड पर मेरा सिग्नल भी गया और वो नॉइस भी आपके पास पहुंच गई ठीक है तो बेसिकली दीज आर डिस्टॉशन अनवॉन्टेड डिस्ट्रॉशंस इन दी सिग्नल ठीक है अगला ट्रांसमिटर क्या होता है ट्रांसमीटर प्रोसेस इनकमिंग मैसेज एस टू मेक इट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू चैनल एंड सब्सिक्वेंट रिसेप्शन ट्रांसमीटर बेसिकली क्या करता है आपका ट्रांसड्यूसर uh, से मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले रहा है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चैनल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहा है ठीक है ट्रांसमीटर के अंदर ही आपके मॉड्युलेशन हो रहे हैं ट्रांसमीटर बेसिकली उसको चैनल के ट्रांसमिशन के लायक बना रहा है क्योंकि हर चैनल की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं भाई कुछ जैसे आपके वायर्स हो गए वायर्स कुछ पर्टिकुलर बैंडविड्थ के ही आपके सिग्नल्स ट्रांसफर कर सकते हैं आपके जो इलेक्ट्रिक uh, या वायरलेस सिग्नल्स हैं वायरलेस सिग्नल्स यानी कि रेडियो सिग्नल्स भी अलग अलग वेवलेंथ या वेव में ही ट्रांसफर होते हैं ठीक है तो ट्रांसमीटर का, का काम है कि उस चैनल के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिग्नल है उसको मॉडिफाई कर दे सो दैट चैनल आपका जो है वो एक ट्रांसमीटर से दूसरे रिसीवर के एंड तक एनर्जी को उस सिग्नल को ट्रांसफर कर पाए ठीक है तो प्रोसेसेस द इनकमिंग मैसेज सिग्नल टू मेक इट सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू चैनल ठीक है अगला रिसीवर रिसीवर क्या करता है डिजायर्ड मैसेज को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द रिसीव सिग्नल एट दैनल आउटपुट ठीक है चैनल के आउटपुट पर क्या कर रहा है ये सिग्नल ले रहा है उसको प्रोसेस करेगा और आगे रिसीवर को दे देगा ठीक है अगला क्या है भाई अगला है एटीन्यूशन। एटीन्यूशन बेसिकली क्या है इट इज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ बेसिकली आपने जो ट्रांसमिटर से इंफॉर्मेशन पास ऑन करी लेटेस्ट से कुछ इस तरीके का उसकी स्ट्रेंथ थी लेकिन जब चैनल से ये इंफॉर्मेशन गई तो रिसीवर के एंड पर जब वो इंफॉर्मेशन पहुंची तो कुछ इतनी रह गई ठीक है तो ये क्या है बेसिकली ये एनर्जी का लॉस है ना ओवर अ पीरियड ऑफ डिस्टेंस या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा आपकी एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे क्योंकि एनर्जी डिसिपेट होगी और अगर आपकी एनर्जी डिसिपेट हो रही है तो रिसीवर के एंड पर आपकी एनर्जी काफी कम मिल रही है ठीक है ये आपका क्या था ये आपका ट्रांसमीटर के स्टेज पर था तो आपकी अगर एनर्जी ज्यादा है यहां एनर्जी आपकी कम है तो अब आपको क्या चाहिए बताओ आपको रिसीवर के एंड पर अगर मान के चलो बहुत कम वॉर्ड ऑडियो सुनाई दे रही है या बहुत लो सिग्नल मिल रहे हैं तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ एम्प्लीफिकेशन इन दिस सिस्टम ठीक है मतलब एट्यून क्या है एटीनशन इज बेसिकली लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल ठीक है चलो और एम्प्लीफिकेशन क्या कर रहा है एम्प्लीफिकेशन उस जो लॉस को काउंटर कर रहा है ठीक है बेसिकली आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की हेल्प से उस सिग्नल को वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग दी एम्प्लीट्यूड ठीक है एंड कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल द एम्पलीफायर ठीक है एम्पलीफायर बेसिकली बाहर वाले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और आपका जो सिग्नल है उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है पैटर्न चेंज नहीं करता है ध्यान से सुनना एम्पलीफायर डज नॉट चेंज द पैटर्न ऑफ सिग्नल इट ओनली बेसिकली आपका ये बोल दूं कि मैग्निफाइंग ग्लास की तरह काम करता है जो भी चीज होगी आपको उतने टाइम्स मैग्नीफाई कर देगा जीरो का टाइम्स मैग्नीफाई उतना ही रहेगा लेकिन अगर सिग्नल ज्यादा है तो उसका मैग्नीफिकेशन ज्यादा देखेगा ठीक है एम्पलीफिकेशन इज नेसेसरी टू कंपेंसेट एटनेशन ठीक है कंपेंसेट फॉर द दटरनेशन ऑफ द सिग्नल इन कॉम्युनिकेशन सिस्टम इनर्जी नीडेड क्या है बाहर के डीसी पावर सोर्स से आती है ठीक है एम्प्लीफिकेशन इज डन बिटवीन एट अ प्लेस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन वेयर सिग्नल स्ट्रेंथ बिकम्स वीकर देन रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ सोर्स और रिसीव के रिसीवर के बीच में या बोल दूं कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एम्प्लीफिकेशन आपको बार बार करना पड़ेगा ठीक है एम्प्लीफिकेशन जनरली यहां पर भी होता है जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो मैं जो चीज मैं जो बोल रहा हूं मेरी ऑडियो ठीक है उस ऑडियो को इस रिसीवर uh, ने रिसीव किया ठीक है इसने यहां से ट्रांसमिट किया और यहां से जब ट्रांसमिट किया तो मेरे जो यहां पर रिसीवर लगाए उस पर काफी कम uh, जो एनर्जी आई ठीक है और अब उसमें क्या किया जाएगा उसमें इसको एम्प्लीफाई किया जाएगा ठीक है एम्प्लीफायर आर बेसिकली ट्रांजिस्टर दैट एम्प्लीफाइज द रिसीव्ड सिग्नल्स ठीक है, रेंज क्या होती है रेंज लार्जेस्ट डिस्टेंस सोर्स मुझे यहां तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी नॉट इन सिलेबस अरे जिसके सिलेबस में है उसके लिए तो है ना यार और जेई मेन्स में सिलेबस में है ठीक है मैं यहां पर भी नहीं पढ़ाऊं तुम वहां पर भी नहीं पढ़ोगे फिर तुम बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं कहीं तो एक जगह तो पढ़ लो अलग ही मीम चला रहा है चलो तो बैंडविथ क्या है बैंडविथ रिफर्स टू दी रेंज इज बेसिकली द मैक्सिमम डिस्टेंस ओवर विच अ सिग्नल में बी ट्रांसफर्ड विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एनर्जी ठीक है अगला क्या है बैंडविथ बैंडविथ रिफर्स टू द फ्रिक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स और पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल बैंडविथ इज बेसिकली द मैक्सिमम एंड डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी ठीक है आपके जो सिग्नल है जैसे मान चलो ऑडियो में सिग्नल दे रहा हूं तो ऑडियो सिग्नल मेरे वॉइस सिग्नल की एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ है मतलब मेरे बोलने की एक सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी और एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी तो अगर मैं किसी भी मीडियम से या किसी भी चैनल uh, से वो एनर्जी को या वो सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा हूं देन दैट चैनल मस्ट बी एबल टू होल्ड दैट बैंडविड्थ ऑफ फ्रिक्वेंसी ठीक है कई बार ऐसा होता है कि चैनल जो है आपके उतनी फ्रिक्वेंसी होल्ड ही नहीं करता तो क्या होगा आपकी जो हायर फ्रिक्वेंसी है वो कट जाएंगी लोअर फ्रीकवेंसी है वो कट जाएंगी तो आपका जो मैसेज है वो प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा ठीक है वो क्लिप्ड मैसेज पहुंचेगा तो उसके लिए हमें ये एंश्योर करना होता है कि जो मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसीज हैं सोर्स की फ्रिक्वेंसी मैच दी फ्रिक्वेंसीज ऑफ द मीडियम ठीक है ऐसा मीडियम चूज करूं कि सोर्स से मैच कर जाए ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूं लेकिन मेरी कुछ फ्रिक्वेंसीज गायब हो जाए ठीक है तो वो मैं नहीं चाहूंगा ठीक है ये बेसिकली बैंडविड्थ बेसिकली एक तरीके से ये मान लो कि बैंडविड्थ आपका ये ये डिजाइन कर रहा है कि आपका लोअर और हायर गैप कितना या कितना कितना आपको रेंज ऑक्युपाई करेगा ठीक है ये बोलना चाहिए और बैंडविड्थ अगर नहीं प्रॉपर है जैसे बेसिकली फिल्टर टाइप का है ठीक है मीडियम आपका एक फिल्टर लगा रहा है अगर मीडियम की बैंडविड्थ कम होती है तो बेसिकली आपके हायर फ्रीक्वेंसीज कट जाएंगी कई बार uh, ऑडियो के साथ जब हम मॉडिफिकेशंस करते हैं तो हम कई सारे फिल्टर्स लगाते हैं तो जिसमें ऐसा होता है हाई पिचेस कट जाती हैं लो पिचेस कट जाती हैं तो बेसिकली क्या है उसकी बैंडविड्थ कम कर रहे हैं हम ठीक है चलो अगला है मॉड्यूलेशन ठीक है मॉड्यूलेशन क्या है कि भाई लो फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं हो सकती हैं ठीक है थीके? जो इसके बारे में बाद में बात करेंगे दे आर फोर ट्रांसमिटर इन्फॉर्मेशन कंटेंट लो फ्रिक्वेंसी इज सुपर इम्पोज विथ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स ठीक है तो बेसिकली लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं ड्यू टू लॉसेज और इसी वजह से हमने क्या किया है लो फ्रिक्वेंसीज को हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं मतलब क्या हाई फ्रीक्वेंसीज का रेंज ज़्यादा होता है लो फ्रीक्वेंसीज का रेंज कम होता है ठीक है तो जैसे अगर मान के चलो मैंने कहा कि एक हाई फ्रिक्वेंसी वाली मैंने वेव ले ली और इस हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव में मैंने सुपर इंपोज किया एक लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव को मतलब कुछ ऐसी वेव को मैंने सुपर इंपोस कर दिया तो ये जो रिजल्ट मिलेगा एक मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी जिसकी कुछ इस तरीके से सिग्नल होंगे ठीक है और जो भी सिग्नल होंगे इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो ये क्या होगा ये ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगी क्योंकि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है ना ठीक है और जब ये रिसीव करेगा तो रिसीवर क्या करेगा इसको डीमॉड्यूलेट करेगा मतलब ये वाली फ्रिक्वेंसी को बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी को हटा देगा और सिर्फ और सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी वाले पार्ट पर फोकस करेगा तो वहां पर उसको सिग्नल मिल जाएगा ठीक है इसको हम बोलते हैं मॉड्युलेशन मॉड्यूलेशन कुछ और नहीं बेसिकली सिग्नल को आप मॉडिफाई मौडि, कर रहे हो ठीक है तो आप सिग्नल सिंस ऐसा सोचो कि आप पिगी बैक कर रहे हो जैसे मान के चलो हमारे पैदल जाने की ताकत उतनी नहीं हम पैदल ज्यादा दूर नहीं चल सकते ठीक है लेकिन मैं गाड़ी पर बैठ करके तो जा सकता हूं ना ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने एक गाड़ी को हिचाइक किया मतलब क्या है जैसे मैं एक कोई गाड़ी जा रही थी ठीक है मैंने कहा यह गाड़ी ज्यादा दूर तक जा रही है लेकिन मेरा दूर तक जाने का ताकत नहीं है तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूं तो इसके ऊपर बैठ गया बेसिकली क्या किया हमने वाई वन प्लस वाई टू दो वेव्स को एड कर दिया याद है अगर दो वेव ऐड होती हैं तो क्या होता है दो वेव ऐड होती है, तो आपकी कुछ ऐसी इस टाइप की वेव मिलेगी कुछ अलग सी रैंडम सी वेव मिलेगी तो हमने क्या किया एक लो वेव और एक हाई वेव को इंटरफेयर कराया और इंटरफेयर तो नॉर्मली होती है y1 y2 a1 sin omega t ऐसा बोल दूं कि a1 sin kx omega t kx omega1 t ठीक है प्लस a2 sin kx या k1x omega1 t k2x omega2 t इन दोनों को आपस में एड कर दिया ठीक है फाइनली जो आपका बीट टाइप का वो पैटर्न मिलेगा उसको हमने लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी किया वो डिस्टेंस पर लेके आए और फिर मैंने वापस उसको मॉड्यूलेट कर दिया ठीक दि, दि -मौड, है तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या है देखो भाई लो फ्रीक्वेंसी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती ये हम याद रखेंगे ठीक है लो फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसिस बिकॉज ऑफ रीजन ठीक है कुछ रीजन है देअर फोर ट्रांसमीटर कंटेंट देअर फोर एट द ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज ऑन हाई फ्रिक्वेंसी वेव ठीक है मतलब मैंने क्या किया हाई फ्रीक्वेंसी वेव पर एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को सुपर इम्पोज किया बेसिकली दो वेव्स का एडिशन किया ठीक है विच एक्स एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन मैं पैदल नहीं ज्यादा दूर चल सकता था तो मैंने कार पे एक हिचहाइकिंग करी या कार में मैं एक जाकर के बैठ गया कार हाई फ्रीक्वेंसी वेव है मैं लो फ्रिक्वेंसी वेव हूं ठीक है कार मुझे दूर तक ले गई और फाइनली जब मैं गया दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन ठीक है आर सेवरल टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी होता है और पीएम मॉड्यूलेशन होता है ठीक है चलो तो अलग अलग टाइप के मॉड्यूलेशन हैं जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है जेई मीन में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं ठीक है इसके बाद क्या करोगे यार भाई यहां से अगर कार में बैठ करके गए हो तो कहीं डिमोडुलेट भी तो करोगे कार से उतरोगे भी तो दूर डिस्टेंस पर जाने के बाद आप उतरोगे तो क्या करोगे यू विल ठीक है डीमोडेशन क्या है द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैरियर वेव एट द रिसीवर इज टर्म एज डिमोडेशन तो हायर फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी को अलग करना और उसको आपको दिखाना दैट इज डिमोडुलेशन ठीक है दिस इज एट द साइड रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्युलेशन ठीक है हाँ बिल्कुल दिस इज रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन अरे यार ने क्या सबने ऐसे ही पढ़ाया भाई कुछ नहीं कर सकते इसमें इसमें अब इसमें मैं क्या मॉडिफाई कर सकता हूं? <laughs> जो जैसी है वो तो वैसी ही ना उसका कोई कुछ नहीं कर सकता ठीक है सर प्लीज स्टार्ट रिवीजन एज सुन एज पॉसिबल हाँ रिवीजन बहुत जल्दी ही स्टार्ट होगा टॉपिक में हमारे पास कुछ है नहीं ज्यादा ठीक है तो उतना ही पढ़ाने के लिए बस उतना ही उतना कंटेंट है जो कि एनसीआरटी में लिखा है इससे ज्यादा कंटेंट बहुत सारा है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो वो यूजलेस है ठीक है चलो यार अगला क्या है रिपीटर रिपीटर क्या करता है बेसिकली कुछ दूर जाने के बाद आपके सिग्नल वीक होने लगते हैं ठीक है ठीके? या आपके सिग्नल रेंज में नहीं रह रहे तो उस रेंज को बढ़ाने के लिए आपके रिपीटर्स यूज हो रहे हैं ठीक है रिपीटर्स आर बेसिकली एम्प्लीफाइंग योर इनपुट सिग्नल एंड देन रिले इट टू अनदर रिसीवर ठीक है तो अगर जैसे मान के चलो यहां से मैंने सिग्नल जनरेट किया और मुझे पता है यार यहां पर सिग्नल पहुंचाना है सिंस इसकी रेंज बहुत ज्यादा है और बीच में आपके ऑब्स्टेकल्स भी हैं तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसीलिए हम हर जगह बीच बीच में रिपीटर लगा रहे हैं ठीक है ये रिपीटर्स क्या कर रहे हैं ये रिपीटर यहां से सिग्नल ले रहे हैं ठीक है सिग्नल को रिसीव करते हैं फिर वापस से

ट्रांसमिट कर देता है ठीक है रिपीटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर ठीक है रिपीटर पिक्स अप द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर एम्पलीफाइज एंड देन रिट्रांसमिटेड टू द रिसीवर समटाइम्स विद अ चेंज इन कैरियर फ्रिक्वेंसी कभी कभी कैरियर फ्रिक्वेंसी में चेंज कर देता है ठीक है रिपीटर्स आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक है बेसिकली जो हमारे सेटेलाइट होते हैं या जो आपके सिग्नल्स uh, जो आपके टेलीविजन uh, टावर्स होते हैं जो आपके मोबाइल uh, टावर्स होते हैं एक्स रिपीटर्स एज वेल चलो ठीक है अगला बैंडविथ ऑफ अ सिग्नल एक सिग्नल की बैंडविथ कितनी होती है ठीक है तो भाई अलग अलग सिग्नल के टाइप के अलग अलग इनपुट सिग्नल्स के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ ठीक है एग्जाम्पल में फॉर स्लीप फॉर स्पीच सिग्नल्स द फ्रिक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 300 हंड्रेड हर्ट्स टू थ्री थाउजेंड मतलब मैं जो बोल रहा हूँ यूजुअली मेरी वॉइस की फ्रिक्वेंसी थर्टी वन हंड्रेड हर्ड्स के बीच में वेरी करेगी ठीक है तो अब हम जो बैंडविट बोलेंगे तो बैंडविट कितनी होगी तो बैंडविट विल बी थर्टी वन हंड्रेड हर्ड माइनस थ्री हंड्रेड हर्ड्सू थाउजेंड एट हंड्रेड हर्ड्स ठीक है इसको मैं ये भी बोल सकता हूं टू पॉइंट एट किलो हर्ड्स ठीक है तो वॉइस सिग्नल यानी कि ऑडियो सिग्नल्स के लिए जो केवल केवल वॉइस है कोई म्यूजिक नहीं है केवल जो वॉइस सिग्नल है उसकी 2.8 पॉइंट एट किलोहर्ट की बैंडविथ है. है, है तो बड़ी सिंपल टर्म्स में कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेज सिग्नल कैन बी वॉइस ये सारे कुछ हो सकते हैं सिग्नल है डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ठीक है अलग अलग फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है ठीक है और कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको भाई और जो भी सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी को आपके मीडियम की फ्रिक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा क्यों क्योंकि अगर मान के चलो मेरे वॉइस की जो रेंज है इसकी बैंडविड्थ जो है वो 2.8 पॉइंट है और मान के चलो जो ट्रांसमिटिंग मीडियम है उसकी बैंडविड्थ इससे कम होती है तो क्या होगा वो उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा ठीक है चलो फॉर स्पीच सिग्नल फ्रीक्वेंसी रेंज इज कंसिडर्ड एडिकुट रिक्वायर्ड अ सिग्नलिट ऑफ टू थाउजेंड एट हंड्रेड कमर्शियल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है उसकी बेनविट आप इतनी रखोगे टू ट्रांसमिट म्यूजिक एन अप्रोक्सीमेट बेनविट ऑफ ट्वेंटी किलो हर्ड्स इज रिक्वायर्ड भाई म्यूजिक के लिए बीस किलो हर्ड्स क्यों लोएस्ट म्यूजिक कितना हो सकता है ट्वेंटी हर्ड हाइएस्ट कितना होता है ट्वेंटी थाउजेंड तो ट्वेंटी किलो हर्ड्स हो गया ठीक है ट्वेंटी किलो हट्स तक ये आपकी ऑडिबल रेंज है जो आपकी ऑडिबल रेंज होगी वही तो आपकी बैंडविड्थ होगी सिंस बोलने में आप सारी और, सारी फ्रिक्वेंसीज का यूज नहीं कर सकते लेकिन म्यूजिक में तो आप सारी फ्रिक्वेंसीज यूज कर सकते हो ठीक है तो जब आप म्यूजिक ट्रांसफर कर रहे हो तो म्यूजिक ट्रांसफर करते टाइम आपको ज्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट है इसीलिए अगर आप म्यूजिक को ओवर टेलीफोन प्ले करोगे तो कई बार ऐसा होता है उसमें बहुत सारे नॉइस या बहुत सारी क्लिपिंग होगी मतलब क्या कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज आपके रिसीवर के एंड पर नहीं पहुंच पाएंगी ठीक है इसीलिए फोन लगा करके कभी म्यूजिक नहीं सुनाते चलो ठीक है आ, वीडियो सिग्नल की आपकी जो ट्रांसमिशन की पिक्चर्स रिक्वायर्ड टू फोर पॉइंट टू मेगा देखो जैसे जैसे सिग्नल कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे आपकी फ्रिक्वेंसीज बढ़ती जाएंगी बैंडविड्थ बढ़ती जाएगी ठीक है क्यों आपको ज्यादा इंफॉमेशन ट्रांसफर करनी है तो बैंडविड्थ आपको ज्यादा चाहिए तो यहां पर पिक्चर्स अगर आपको ट्रांसफर करनी है तो 4.2 पॉइंट टू मेगा की आपको फ्रीक्वेंसी बैंडविट्स चाहिए टीवी सिग्नल्स के लिए यूजअली सिक्स मेगा की बैंडविट्स चाहिए होती है ठीक है मतलब जो टेलीविजन सिग्नल्स हैं उनकी बैंडविट्स उनकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच में छह मेगा का डिफरेंस होता है ठीक है तो अब डिजिटल सिग्नल्स किस तरीके से भाई ये तो बैंडविड्थ किसकी बात हो रही थी एनलॉग सिग्नल्स की ठीक है तो एनालॉग सिग्नल्स जो है एनालॉग सिग्नल्स तो बड़ी सिंपल सी बात है आपने अलग अलग सोच देखे जैसे आपने कहा कि सर ऑडियो सिग्नल्स भेजने हैं मतलब वॉइस सिग्नल्स भेजने हैं वॉइस सिग्नल्स टू पॉइंट एट किलो हर्ट्स की बैंडविड्थ में चले जाएंगे सर म्यूजिक भेजना है बीस किलो हर्ट्स की बैंडविड्थ में चला जाएगा सर आपको पिक्चर्स भेजनी है कुछ मेगा हर्ट्स की बैंडविड्थ में चला जाएगा वीडियो भेजनी है और मेगा हर्ट्स की बैंडविड्थ में चला जाएगा सर लेकिन अगर आपको डिजिटल सिग्नल्स भेजने हैं तो डिजिटल सिग्नल्स किस तरीके से जाएंगे और उनके लिए कितनी बैंडविड्थ चाहिए ठीक है तो डिजिटल सिग्नल जैसा कि आप देखोगे कोई भी सर्किट में ये आपका डिजिटल सिग्नल है वन एंड जीरो हाई और लो पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा है ये इसको आप जीरो बोल सकते हो इसको आप वन बोल दोगे ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता ये तो वोल्टेज लिखे हैं मैंने ये वोल्टेज लिखे हैं लेकिन एक्चुअल में क्या होगा इसको जीरो बोलूंगा और इसको वन बोलूंगा तो अब समस्या सबसे पहले ये आती है कि मैं इस तरीके का बैंड ये पहले तो ये वोल्टेज कैसे बनाऊं इस तरीके के डिस्क्रीट वोल्टेजेस किस तरीके से बनाऊं ठीक है तो अगर मैं बात करूं हम लोगों ने साइनोसुडल वेव पढ़ी थी ठीक है साइनोसुडल वेव पढ़ने का क्या फायदा है साइनोसोइडल वेव पढ़ने का ये फायदा था कि दुनिया में कोई भी शेप मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूं दुनिया में कोई भी पैटर्न अगर आपको बनाना है यू मे मेक देम यूजिंग वन और मोर सच साइनोसोइडल वेव्स इसको हम बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है बेसिकली मैं अगर कोई आप कोई भी रैंडम बोल दो कि सर मुझे ये वाली वेव बनानी है ये ऐसी आड़ीदर्शी ये मुझे ये सिग्नल ट्रांसफर करना है ठीक है तो मैं ये बोलूंगा अगर तुमको यह सिग्नल ट्रांसफर करना है तो यू मे एग्जैक्टली रेप्लीकेट दिस सिग्नल यूजिंग मल्टीपल साइन वेव मल्टीपल साइन वेव का मतलब क्या अगर मैंने एक वेव कुछ ऐसी ली ठीक है और दूसरी वेव मैंने कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी की ली और जब मैं इन दोनों वेव्स को ओवरलैप कराऊंगा तो हो सकता है मेरी कुछ वेव कुछ इस तरीके से बन रही हो ठीक है और ऐसी अलग अलग मैं वेव्स को ऐड करता जाऊंगा ऐड करता जाऊंगा तो मुझे एक एग्जैक्टली exactly यही शेप मिल सकता है और बल्कि मिलेगा ठीक है कोई भी फ्रीक्वेंसी चाहिए जैसे आपको अगर ये वाली वेव चाहिए आपको कौन सी वेव चाहिए ये वाली ठीक है तो हमने क्या किया यहां पर सबसे पहली जो वेव ली वो भाई देखिए कौन सी वाली वेव ली ये वाली वेव ली इसको मैंने बोला फंडामेंटल हार्मोनिक क्योंकि ये फर्स्ट ये मैंने एक साइनोसोडल वेव ली ठीक है अब अगर मैंने इसी वेव का सेकंड हार्मोनिक लिया सर इसका सेकंड हार्मोनिक कैसा दिखेगा ठीक है यार बताना सेकंड हार्मोनिक में क्या होता है अगर आप सेकंड हार्मोनिक की बात करोगे तो सेकंड हार्मोनिक क्या होता? अगर आपको याद हो दो वायर्स के बीच में अगर ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक है तो सेकेंड हार्मोनिक कैसा हो जाता है सेकेंड हार्मोनिक आपका कुछ ऐसा हो जाता है याद आ रहा है वेवलेंथ आदि फ्रीक्वेंसी डबल

चलो तो एक आपका ये कौन सा हो गया सेकेंड हार्मनिक और इसी में आपने कौन सा लिया फंडामेंटल प्लस सेकेंड तो देखना यार ये वाला कौन सा था फंडामेंटल था ये आपका अगर फर्स्ट कहां गया ये बी वाला कौन सा सी फंडामेंटल फंडामेंटल प्लस सेकंड हार्मोनिक टू वी नॉट सी वाला कौन सा ये है ना ये रहा, देखो ठीक है ये वाली वेव में अगर आपने सेकंड हार्मोनिक में जब आपने थर्ड हार्मोनिक को ऐड किया तो क्या हो गया ये दोनों जब ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट कट रहे हैं ये ठीक है तो क्या बनेगा एक इसी इसी टाइप का एम्पलीट्यूड बन जाएगा और इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल हार्मोनिक्स को ऐड करोगे तो ये ऑलमोस्ट फाइनल जो शेप बनता जाएगा ये इस तरीके का बनता जाएगा ठीक है तो ये अगर आपको एनालॉग डिजिटल सिग्नल चाहिए तो ये क्या होगा दिस विल बी समेशन ऑफ फंडामेंटल यानी कि यू नॉट प्लस आपका फर्स्ट हार्मोनिक यानी हार्मनिक टू नॉट ठीक है प्लस सेकेंड थर्ड नॉट प्लस फोर्थ से जब आप ऐड करते जाओगे और इनफाइनाइट ऐसी सच हार्मोनिक्स को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपको सारी के सारे ये exactly ऐसा ही डिजिटल पैटर्न दिखाई देखने को मिलेगा डिजिटल सिंगल मिलेगा लेकिन अब इसमें बात करते हैं bandwidth. डिजिटल सिग्नल जनरेट करने के लिए कितनी bandwidth चाहिए सिग्नल की तो मैंने कहा कितनी लेकर इन्फिनिटी तक ऐड करनी पड़ रही है लेकिन जैसे जैसे आप हार्मोनिक बढ़ाते जाते हो तो हार्मोनिक काट्रीब्यूशन कम होता जाता है ठीक है तो इफिशियंटली फोर्थ हार्मोनिकंडविट्स चाहिए यहां तक ठीक है थर्ड से फोर्थ हार्मिक की ये आपकी बेनिफिट है अगर थियोरिटिकली बात करूंगा तो इनफाइनाइट बेनिफिट चाहिए क्योंकि सारी को जब ऐड करूंगा तब मुझे एग्जैक्ट मिलेगा लेकिन मैंने कहा अगर एग्जैक्ट नहीं भी मिलेगा तो मैं ऑलमोस्ट से काम चला लूंगा ना नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा क्या करोगे ठीक है अगर आपको एग्जैक्ट ऐसा शेप नहीं मिल रहा तो आपने कहा यार थोड़ा सा वेरिएशन तो चल जाएगा क्योंकि देखो आप इतने आप जब यहां पर थर्ड हार्मोनिक तक भी ऐड कर रहे हो तो भी आपको ऑलमोस्ट ये सिग्नल मिल रहा है ठीक है फंडामेंटल प्लस सेकंड प्लस थर्ड हार्मोनिक जब आप ऐड कर रहे हो तो भी आपको ऑलमोस्ट यही सिग्नल मिल रहा है ठीक है इसके बाद जैसे जैसे हार्मोनिक्स बढ़ाता जाता हूं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम होता जाता है तो इसका बैंडविड्थ कितना हो जाएगा अगर डिजिटल आपको सिग्नल जनरेट करना है तो क्या करोगे इसकी बैंडविड्थ विल बी बैंडविड्थ विल बी थर्ड हार्मोनिक माइनस फंडामेंटल हार्मोनिक टू न्यू नॉट इस टाइप का बैंडविड्थ हो जाएगा ठीक है कहने का मतलब है आप जो इनफाइनाइट लेकिन प्रैक्टिकली इनफाइनाट कर सकते थर्ड हार्निकट तो कर रहे फंडामेंटल थर्ड हार्मिकॉट की बेनिफिट हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके की बेनिफिट आप अलोकेट कर सकते हो टू ट्रांसफर डिजिटल सिग्नल तो डिजिटल सिग्नल बेसिकली आर कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फंडामेंटल सेवरल एनालॉग सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स में डिजिटल सिग्नल एड करता जाऊंगा तो डिजिटल मिलता जाएगा ठीक है चलो यार अगला क्या है बैंडविट्स ऑफ ट्रांसमिटिंग मीडियम देखो भाई अभी तक हमने कौन से किसकी बैंडविट्स की बात करी थी हमने सिग्नल्स की बैंडविट की बात करी थी हमने एनालॉगस सिग्नल्स की बैंडविट देख ली थी और डिजिटल सिग्नल्स की बैंडविट देख ली थी एनालॉगस सिग्नल्स की अलग अलग सोर्सेस की बैंडविट्स अलग अलग होती थी जैसे कि वॉइस सिग्नल्स की बैंडविट कुछ और थी आपकी म्यूजिक की बैंडविट कुछ और थी वीडियो और पिक्चर्स uh, की बैंडविट कुछ और थी फिर हमने देखा था कि डिजिटल सिग्नल्स की बैंडविट थ्योरिटिकली तो इनफाइनाइट है ठीक है तो थ्योरिटिकल बेनिफिट कैसी है इनफाइनाइट तो डिजिटल सिग्नल्स की थ्योरिटिकल बेनिफिट्स इज इनफाइनाइट ठीक है बट प्रैक्टिकल बेनिफिट कैसी है ये वाली ठीक है क्योंकि हायर हार्मोनिक्स उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं टू मेक अ डिजिटल सिग्नल ठीक है अगला क्या है तो अगला है बैंडविट ऑफ ट्रांसमिटिंग मीडियम अब हम मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं मीडियम की बैंडविट कितनी होगी तो जैसे आपके अलग अलग सिग्नल्स की बेनविट होती है उसी तरीके से डिफरेंट मीडिया ऑफर्स डिफरेंट बैंडविट ठीक है कॉमनली यूज्ड जो मीडिया है कौन से होते हैं वायर हो गए आपके ठीक है आपके स्पेस हो गया आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल हो गया जैसे जो आपकी वायर्स केबल्स इनकी जो बैंडविड्थ होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली सेवन फिफ्टी मेगाहट ठीक है साढ़े सात सौ मेगाहट की फ्रिक्वेंसी की जो बैंडविड्थ है ये इतनी इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं ठीक है सच केबल्स आर नॉर्मली ऑपरेटेड बिलो एटीन गीगाहट्स ठीक है इनको हम इनकी जो फ्रीक्वेंसी इनको ऑपरेट करते हैं इनको इस 18 की फ्रिक्वेंसी से कम ऑपरेट करते हैं ठीक है अगला क्या है कॉम्युनिकेशन स्पेस में तो काफी सारी रेंज है ठीक ठीक है 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 मतलब मतलब फ्लो फ्यू फ्यू से तक बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है? तो आपके इसमें भी जो रेडियो वेव्स हैं रेडियो वेव्स आपके स्पेस में आपकी ट्रेवल करती हैं तो रेडियो वेव्स को भी हमने अलग अलग बैंड में तोड़ा हुआ है जैसे आपके ए बैंड हो गया एफ बैंड हो गया टीवी बैंड हो गया ठीक है तो अलग अलग बैंड में तोड़ा हुआ है सो so दैट

रेंज है और ये बैंडविड्थ है ठीक है स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रमोकेशन आर अराइव एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट द इंटरनेशनल टेलीकोम्युनिकेशन यूनियन ठीक है प्रेजेंट सिस्टम ऑफ फ्रीक्वेंसी अलोकेशन किस सर्विस को कितनी फ्रीक्वेंसी अलोकेट करनी है ठीक है वो ये डिसाइड करते हैं आप रैंडमली कोई भी फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं कर सकते हैं पहली चीज ठीक है ये कुछ बैंडविड्थ के सिग्नल्स की रेंज है स्टैंडर्ड ए एम ब्रॉडकास्ट जो आपका होता है एम्पलीटेड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट ये आपकी फ्रिक्वेंसी की रेंज है ठीक है ये वाली एफ एम की ब्रॉडकास्ट की रेंज अठासी से एक सौ आठ ठीक है नाइंटी फोर पॉइंट थ्री एफ एम वो क्या है बेसिकली नाइनटी फोर पॉइंट थ्री एटी एट सेवन जीरो के बीच में आता है या नहीं आता दैट इज फ्रिक्वेंसी ठीक है इतने मेगा हर्ट्स पर वो चैनल ऑपरेट कर रहा है तो बेसिकली जितने भी एफ एम होते हैं वो एट्टी 108 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करेंगे ठीक है चाहे वो रेडियो मिर्ची हो या कोई और एफएम चैनल हो सारे एफएम चैनल्स की फ्रीक्वेंसी मस्ट लाइ विद इन दिस रेंज और ये मैं नहीं कह रहा हूं दिस इज इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन रेंज ठीक है चलो अगला टेलीविजन टेलीविजन आपका इस पर्टिकुलर इत, इतनी रेंज में काम करता है ठीक है सेल्युलर मोबाइल रेडियो इसके बाद और देखो नोटिस करना हर एक बैंडविड्थ के बाद कुछ कुछ गैप भी दिया हुआ है सो so दैट थोड़ा सा लीवे रहे और कहीं सिग्नल्स ओवरलैप ना करें ठीक है क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि सिग्नल्स ओवरलैप करते हैं तो इस वजह से ठीक है तो जो स्पेक्ट्रम अलोकेशन होता है जिसके लिए आपने नोटिस किया होगा कि जियो हो गया एयरटेल हो गया रिलायंस हो गया बाकी सारे जो कंपनीज जो कॉम्पीट करते हैं और बिड करते हैं तो दे वॉन्ट दी मैक्सिमम स्पेक्ट्रम दे वॉन्ट दी मैक्सिमम बैंडविथ ठीक है जो आपके सेटेलाइट कम्युनिकेशन होते हैं जो आपके सेलोर बेसिकली ये वाले रीजन के लिए इसके लिए वो बिड करते हैं कि हमको इतना बैंडविट चाहिए सो दैट वी कैन ऑपरेट इन दो अगर जितना ज्यादा बैंडविट उनके पास होगा दे में ट्रांसफर मोर एंड मोर सिग्नल्स ठीक है ज्यादा सिग्नल ट्रांसफर कर सकेंगे बेटर सर्विस ऑफर कर पाएंगे ज्यादा फास्टली सर्विस ऑफर कर पाएंगे ठीक है डाउन टाइम कम होगा चलो मुझे लगता है यहां तक की कहानी समझ में आ गई आज के लिए इतना ही ठीक है क्योंकि आज के लिए बस याद करने वाला पोर्शन ज्यादा था नेक्स्ट में हम लोग अलग अलग टाइप्स की वेव्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में और इसके साथ एम्पलीट्यूड मॉड्युलेशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे बेसिकली ठीक है कि वेव्स का मॉड्यूलेशन किस तरीके से होगा सर क्लास ट्वेल्थ का न्यू सेशन सिर्फ एनसीआरटी के लिए कब शुरू होगा देखो ऐप पता चलेगा ठीक है वैसे एक अप्रैल से शुरू हो रहा है लक्ष्य वाला तो एक अप्रैल से शुरू हो रहा है ठीक है रिजन कैन यू प्रोवाइड वर्कशीट ऑफ ऑल चैप्टर्स हाँ मैं प्रोवाइड करूंगा ठीक है वैसे रिविजन बहुत जल्दी शुरू होगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम गैप है नहीं बीच में ठीक है चलो तो पढ़ाई करते रहो ऑल द बेस्ट थैंक यू